नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं धीरज मिश्रा। आइए करते हैं रुख एक बड़ी खबर की ओर। सोनभद्र जिले के जिला मुख्यालय स्थित डायट परिसर में आज जिला प्रशासन के द्वारा 140 जोड़े का विवाह संपन्न कराया गया। यह विवाह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद घोरावल विधायक अनिल मौर्या ने बताया कि शासन की यह मंशा है कि गरीब व असहाय लोग पैसे के अभाव में अपने लड़के लड़कियों का विवाह करने से वंचित ना रह सके, जिसको देखते हुए यह योजना चलाई गई है। और आज 140 जोड़े लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न कराया जाना था, जिसमें एक जोड़ा उपस्थित नहीं हो सका, जबकि 25 फरवरी को पुनः सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बचे हुए लड़के लड़कियों का विवाह कराया जा सकेगा। वहीं यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की समस्या का समाधान हो सके। प्रधान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से कह लीजिए कि हम इस प्रदेश में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो पैसे के अभाव में शादी न हो। इसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जिले में ये व्यवस्था, अभी आज 140 का होना था, शायद एक नहीं आए, लेकिन अगले 25 फरवरी को हम लोग फिर रख रहे हैं कि जो छूटे रहेंगे उनका, और ये अनवरत चलता रहेगा। ये नहीं कि आज हो गया और 25 फरवरी को हो गया फिर इसके बाद नहीं होगा, ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रदेश में जितने भी हमारे गरीब भाई हैं जो सामूहिक शादी करना चाहते हैं, सामूहिक शादी में जिनके पास की पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी के कारण से नहीं हो पा रही थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा सोचा है कि प्रदेश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका पैसे की वजह से शादी न हो, इसलिए ऐसे कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे। तो इनको क्या क्या दिया जा रहा है? ये समाज कल्याण के विभाग की तरफ से पूरा एक पैकेज है, उसमें कपड़ा है और लड़की के कुछ गहने हैं, लड़के के लिए कुछ है इस तरह, और व्यक्तिगत लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कोई न कुछ दे रहा है, ऐसे सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा है। जैसे क्या लगता है कि गरीब